हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैव राइजन ओवर द पास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन। पिछले 15 दिन में, 15 डेज, यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ी हैं। इंटरेस्ट रेट्स विल रिमेन हाई एंड एनी चेंज विल डिपेंड ऑन द वे द वर्ल्ड इवॉल्व्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास सेड ऑन फ्राइडे, हाईलाइटिंग इमर्जिंग अनसर्टेनिटीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी इन द फोर्टनाइट सिंस द लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू। तो पिछले 15 दिन में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ी हैं, तो इन्होंने बोला है उसको देखते हुए हम अपना पॉलिसी बढ़ाएंगे, ठीक करेंगे या चेंजेस करेंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे। रेफरिंग टू द रिसेंट स्पर्ट्स इन US बॉन्ड यील्ड्स टू रिकॉर्ड हाई कंबाइंड विथ पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट, द सेंट्रल बैंक ग्लोबली With mixed data points, Mr. Das asserted that while central bank must remain agile in these developments, the first line of defense must be stock exchange and financial institution. Existing uncertainties have been exacerbated, he noted, like the rise in crude oil prices and the persistent volatility in the financial market. Asked about higher or longer interest rate prospect at the Kautilya Economic Conclave, Mr. Das said central bank must be vigilant about the growth inflation dynamic while watching over the price rise. So, growth inflation dynamics important ho jata hai. Mr. Das said a slowdown across economies creates other challenges for financial stability. So, I would not venture to say how long interest rate will be high. I am not giving a forward guidance. Only time, the way the world is evolving will tell, he noted. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इनकी क्या बात हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक। ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड, आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, अब आप इसमें पॉलिसी में क्या क्या आता है देखिए, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, लैफ, CRR, SLR, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। ये RBI की होती है, और गवर्नमेंट की क्या होती है बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है कि RBI की होती है, तो ये तो RBI क्या है, आपका क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट बनाता है वो क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इन्फ्लेशन इन सबको कर्व करने के लिए उसको क्या बोला जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और सेकंड, आप देखिए इन्होंने बोला है कि स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल मार्केट जो इंस्टीट्यूशंस हैं सबसे पहले ये हिट करते हैं, तो उनका सेफगार्ड होना बहुत ज़रूरी है जो लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेंगे। राइज इन क्रूड ऑयल प्राइजेस, ठीक है, और इन्होंने बोला है हम अभी कोई स्टेप ने, एक और चीज़, इंटरेस्ट रेट को हाइक करने से क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, ये हमें देखना जरूरी हो जाता है। इंटरेस्ट रेट उठाओगे मार्केट में लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो आपका चीज़ों का दाम गिरेगा, चीज़ों का दाम गिरेगा ना मतलब इन्फ्लेशन से हम लोग लड़ लिए। सिंपल चीज़, आप इस चीज़ को बिल्कुल सीधे तरीके से बेसिक समझो, डेफिनेशन पढ़ते रहोगे नहीं याद होगा, बेसिक ऐसे समझा जाता है। इन्होंने बोला हमारा आगे का स्टेप जो भी होगा, जो वर्ल्ड में चल रहा है स्लो डाउन उसको देख के हम लोग लेंगे, अभी बता नहीं सकते इंटरेस्ट रेट कब तक हाइक रहेगा हमारा, क्योंकि वर्ल्ड का यहाँ पे अब इसको एक और चीज बोल सकते हम लोग, स्पिल ओवर इफेक्ट, कि वर्ल्ड में जो हो रहा है उससे इंडियन मार्केट्स, इंडियन सेंट्रल बैंक, इंडियन गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।